है, अभी करारदादें ले रहे हैं। एक करारदाद है साजिद अहमद खान MPA, एक करारदाद पेश करने के लिए रूल्स की मुतली की तहरीक पेश करते हैं। महरक अपनी तहरीक पेश करें। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं ये तहरीक पेश करता हूँ कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर 1997 के रूल 234 के तहत रूल 115 और दीगर रेलिवेंट रूल्स को सस्पेंड करके फिजियोथेरेपिस्ट के हवाले से करारदाद पेश करने की इजाज़त दी जाए। ये तहरीक पेश की गई है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर 1997 के रूल 234 के तहत 115 और दीगर रेलिवेंट रूल्स को सस्पेंड करके फिजो थेरेपिस्ट के हवाले से करारदाद पेश करने की इजाज़त दी जाए। रूल्स की मुतली के लिए तहरीक पेश की गई है। जो इस तहरीक के हक में हैं वो हाँ कहें, जो इसके खिलाफ है वो ना कहें। फैसला हाँ वालों के हक में है, हाँ वालों को तहरीक मंजूर हुई। अब मुहर्रक करारदाद पेश करें। शुक्रिया। इस आह्वान की राय है कि फिजियोथेरेपिस्ट जिनको पाकिस्तान की पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ 5 साल ग्रेजुएट प्रोफेशनल लेवल की डिग्री, 2 साल MS MPhil की डिग्री और PhD की डिग्री अवार्ड करती हैं, लेकिन पाकिस्तान में फिजियोथेरेपी के प्रोफेशन को अहमियत नहीं दी गई, जबकि पूरी दुनिया में शोबा फिजियोथेरेपी आज़ाद शोबा के तौर पर प्रैक्टिस किया जाता है और इनकी इंतजामी बॉडी काउंसिल भी तरक्की याफ्ता ममालिक में जुदागाना हैसियत रखती है। सेहत के निज़ाम में फिजियोथेरेपिस्ट की अफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता और इनकी खिदमात ढकी छुपी नहीं है, लिहाजा ये वान वफाकी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करता है कि फिजियोथेरेपिस्ट के मामलात को देखने के लिए एक अलहदा आज़ाद कौंसल फिजियोथेरेपी का क्याम अमल में लाया जाए और इसके ज़रिए फिजियोथेरेपिस्ट को भी डॉक्टर्स का दर्जा दिया जाए। शुक्रिया। ये करारदाद पेश की गई है कि इस ऐवान की राय है कि फिजियोथेरेपिस्ट जिनको पाकिस्तान की पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ 5 साल ग्रेजुएट प्रोफेशनल लेवल की डिग्री, 2 साल MS MPhil की डिग्री, PhD की डिग्री अवार्ड करती है, लेकिन पाकिस्तान फिजियोथेरेपी के प्रोफेशन को अहमियत नहीं दी गई, जबकि पूरी दुनिया में शोबा फिजियोथेरेपी आज़ाद शोबे के तौर पर प्रैक्टिस किया जाता है और इनकी इंतजामी बॉडी काउंसिल भी तरक्की याफ्ता ममालिक में जुदागाना होती है, उसकी हैसियत अलहदा होती है। सेहत के निज़ाम में फिजियोथेरेपिस्ट की फादियत से किसी को इनकार नहीं किया जा सकता, इनकी खिदमात ढकी छुपी नहीं है, लिहाजा ये वान वफाकी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करता है कि फिजियोथेरेपिस्ट के मामलों को देखने के लिए एक अलहदा आज़ाद कौंसल फार्म जो फिजियोथेरेपी का क्याम अमल में लाया जाए और इसके ज़रिए फिजियोथेरेपिस्ट को भी डॉक्टर्स का दर्जा दिया जाए। इस करारदाद की मुहालफत नहीं की गई, इसलिए सवाल ये है कि जो इस करारदाद के हक में है वो हाँ कहें, वो इसके ख़िलाफ़ है ना कहें। मेरे ख्याल में फैसला हाँ वालों के हक में, फैसला हाँ वालों करारदाद मंजूर हुई और